ऑक्सीजन ओएस का एंड्रॉयड 10 का लेटेस्ट पोर्ट अपडेट हमारे रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से ही यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला इस रोम के रिगार्डिंग कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या है बग और क्या चीज़ है जो इसकी वर्किंग देखने को मिल जाती है। तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहे, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ इस ऑक्सीजन ओएस के एंड्रॉयड 10 के पोर्ट के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ऑक्सीजन ओएस के पोर्ट के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो अगर आप इसे रूट करते हो तो आपको नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास मिलता है, और बैंकिंग ऐप वगैरह टेस्ट किए गए हैं गूगल पे वगैरह, तो वो वर्किंग देखने को मिल गया है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई इशूज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर कॉलिंग स्क्रीन पर आते हो और फर्स्ट टाइम कॉल करते हो तो आपको वन साइड साउंड सुनाई देता है, सेकेंड साइड का नहीं आता है। तो उसके लिए आपको ट्रिपल लाइन पर आना है, उसके बाद सेटिंग के ऊपर जाना है। अगेन आपको जो नीचे की ओर आके इस नॉइज कैंसिलेशन ऑप्शन को है जो ऑफ कर देना है। इसके बाद है जो आप इजीली कॉल कर पाओगे, और यहाँ पे है जो आपको कोई भी साउंड का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। मैं अगर है जो अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा हूँ और मुझे कोई भी कनेक्टिविटी के इशू देखने को नहीं मिला है, तो आप ब्लूटूथ हैंडसेट यूज कर सकते हो नो इशूज। हाँ, यहाँ पे अभी तक जियो का वीडियो कॉल सपोर्ट नहीं आया है तो प्रॉब्लम आएगा। मैसेजिंग बॉक्स भी अच्छे तरीके से काम करता है, मैंने मैसेज को सेंड किया है तो ये अच्छे से है जो चला जा रहा है, तो ये वर्किंग मिलता है। बाय डिफॉल्ट कैमरा गो दिया गया है, बट आप जीकेएम वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी इशू जो मुझे जीकेएम से रिगार्डिंग देखने को नहीं मिला है। इसका रोटेशन भी जो परफेक्टली जो वर्क करता है, नो इशू देखने को मिलता है, और हॉटस्पॉट वगैरह भी जो यहाँ पे वर्किंग है। अगर आते हैं अबाउट के सेशन पे, तो आपको देखने को मिलता है डिवाइस नेम जो कि रेडमी का नोट 4 है, जिसका कोड नेम मिड्डो है। यहाँ पे डेवलपर जिन्होंने पोर्ट किया है उसका नाम देखने को मिलता है अमित। ओके, यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट है, 5 अप्रैल 2020 का ये लेटेस्ट अपडेटेड सिक्योरिटी पैच है। वहीं पे जो आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 2025.1 का देखने को मिलता है, एथेरियल का 28 का कर्नेल जो यूज किया गया है, और ये जो पोर्ट है 1+5T के डिवाइस से किया गया है हमारे डिवाइस के लिए। वहीं पे ऑक्सीजन ओएस का वर्जन 10.0.0 दिखाई देता है। बैक की ओर चलते हैं तो ये सारे ऑप्शन तो सिमिलर है, जिसमें कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है, और इसे फिलहाल मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड लोग भी यूज किए हैं, तो इन्हें ठीक ठाक बैटरी देखने को मिला है और हीटिंग इशू बहुत ही कम देखने को मिला है। वहीं पे जो फर्स्ट टाइम अगर आप आते हो तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका काम नहीं करता है, तो अगर आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है तो आपको इस तरीके से रिसेंट पे जाना है, ट्रिपल लाइन पे क्लिक करना है, ऐप इन्फो पे जाके आपको अपने सेटिंग को एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद अगर आप अपना फिंगरप्रिंट अटैच करते हो तो आपका फिंगरप्रिंट काम कर जाएगा और फेस अनलॉक भी यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिल जाता है। तो कोई भी इशू आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो एक रिसेट जिप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में फिंगरप्रिंट का, उसे आपको फ्लैश कर देना है TWRP से, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो अपने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट के इशूज को जो फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर जो लेफ्ट टू चेक दिया गया है, ये भी आपका जो अच्छे से काम करता है, बट लेफ्ट टू चेक जो थोड़ा सा डिले रहता है, आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन ये परफेक्टली जो काम करता है, तो इसे यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है फ्लिप टू म्यूट, स्क्रीन शॉट, आंसर और डबल टैप वगैरह। यहाँ पे आप आओगे तो ये फर्स्ट टाइम में वर्केबल नहीं रहता है, तो इसके लिए एक पैच प्रोवाइड किया गया है जो कि TWRP के थ्रू आपको फ्लैश करना होगा। उसके बाद आपका जो नेविगेशन जेस्चर्स वगैरह है लेफ्ट राइट का, ये वर्केबल हो जाएगा, तो उसके लिए एक पैच का जरूरत पड़ने वाला है। कस्टमाइजेशन में आपको नॉर्मल कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ से आप डार्क मोड वगैरह जो यूज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज लाइट वगैरह का इफेक्ट अभी तक नहीं है, क्योंकि ये 1+5T का पोर्ट रोम है, ना कि 1+7 Pro या 7 का। वहीं पे आगे आता है डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे कुछ कमियाँ लगी है, वो है मुझे नाइट मोड से रिगार्डिंग। यहाँ पे नाइट मोड जो काम नहीं कर रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करना होगा अपने प्ले स्टोर से। तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि नाइट मोड इनेबल करके देते हैं। यहाँ पे नाइट मोड और रीडिंग मोड दोनों आपको डिसेबल मिल जाता है। वीडियो एनहेंसर जो दिया गया है, ये भी आपको जो देखने को मिलता है जो कि काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलता रहे, तो मेरे टेक ऑफिस और टेक गेम दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके दोनों का नोटिफिकेशन आप इनेबल जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहे, क्योंकि मैं दोनों चैनल के ऊपर है जो रोम्स के रिव्यू और बाकी अदर चीज़ें और टेक न्यूज़ भी है जो प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं कहीं भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँ आप है जो मिस नहीं कर पाओगे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। लेकिन वहीं पे अगर हम आते हैं यहाँ पे कलर के ऑप्शन के ऊपर, तो इसमें कोई भी खास इफेक्ट दिखाई नहीं देता है डिस्प्ले पे जब भी हम इसका यूज करते हैं, यानी चेंज करते हैं। तो
वहीं पे एम्बेडेड डिस्प्ले है जो काम करता है, लैपटॉप चेक वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह पे हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको स्पीड मीटर, बैटरी और बाकी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। गूगल का जो प्ले स्टोर है और इसके एप्लीकेशन वगैरह उसे अपडेट कर दिए गए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले, और यहाँ पे CTS वगैरह भी जो पास किया गया है, वेंडर को भी अपडेट कर दिया गया है जिसकी वजह से आपको जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह भी थोड़े बहुत ऐड किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपको फेवरेट लगता है उसका आप जो यहाँ पे यूज कर पाओगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो OnePlus 7 Pro का भी एक लाइव वॉलपेपर यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन लाइव होने का मतलब है कि थोड़ी सी बैटरी ड्रेन, फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप लाइव वॉलपेपर यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस रोम को ट्राई करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि काफी हद तक है जो सारी चीज़ें वर्क कर रही है, बट अभी ये सेकेंड अपडेट है एंड्रॉयड 10 के ऑक्सीजन वॉइस का, तो छोटी मोटी इशूज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिसेंट पैनल में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो हमारे स्टेटस बार के अंदर इन कर रहा है हल्का फुल्का, तो इस जो टाइल्स है रिसेंट का ये थोड़ा सा फिक्स होने की ज़रूरत है, जो कि थोड़ा सा अभी ऑकवर्ड सा है जो लगता है। रैम एलिमेंट मुझे ठीक ठाक लगी है, देख सकते हो कई सारे टैब यहाँ पे ओपन है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। हार्डवेयर लाइटनिंग भी है जो मुझे वर्किंग दिखाई दे रहा है, लाइट अप दिख रहा है, तो ये भी है जो ठीक काम कर रहा है। अनटूटू का जो स्कोर है वो ओवरऑल आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है, जो कि सही है, जिसपे आपको बैटरी बैकअप और अगर आप गेमिंग करते हो तो वो भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन हैवी गेमिंग में आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना कि बाकी अदर कस्टम रोम देते हैं। तो टोटल स्कोर 97580 का है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो सही लगा है। फर्स्ट बिल्ड के अनुसार आप चाहो तो किरनल वगैरह चेंज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है इस रोम से रिगार्डिंग, आप यूज़ करना चाहोगे तो ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये रोम कैसा लगा, और आप इसे टेस्ट करने वाले हो या फिर जिस रोम को यूज़ करो आप उसी पर स्टे करने वाले हो। और यहाँ पे आपको जो कास्ट स्क्रीन का भी है जो बग देखने को मिलता है, तो 4-5 बग है जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट रीडिंग मोड नाइट मोड का, सेकेंड आपका जो वीडियो का वीडियो कॉल का, थर्ड कास्ट स्क्रीन आपको वर्किंग नहीं मिलता है, बाकी अदर चीज़ें है जो देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।